मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो मेरे को। अगर आपने मेरे को पैसे ना दिए तो मैं घर का सारा सामान तोड़ दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को पैसे चाहिए। समझ में आया? मेरे को पैसे चाहिए। आप में से ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनकी ऐसी हालत है आज आपके घर पे, जहां पर अगर आपने अपनी औलाद को वो पैसा, वो पावर, ऐश और आराम ना दिया तो आपकी औलाद बेकाबू हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सत्य घटना के बारे में, जहां पर एक बाप जो कि पॉलिटिशियन था, जिसका नाम था असलम, और उसका बेटा अशहर, क्या हुआ उनके साथ। एक लौता बेटा होना और पिता का पॉलिटिशियन होना, मतलब ऐसी पावर और ऐसा गुरूर और ऐसी ताकत जिसके आगे सब हार मान लेते थे। इतना डर था समाज में कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी काली करतूतों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सके। अशर बड़ा हुआ और जो उसे चाहिए था उसे मिला, और तो और उसके जन्मदिन पर उसे ऐसे कीमती घोड़े दिए जाते थे जिनसे उसका मनोरंजन हो सके। और एक दिन जब उसे एक लड़की के प्रति आकर्षण हुआ और वो लड़की उसे ना मिल पाई, तो उसने इन्हीं पैसों से जो कि उसे विरासत में मिले थे, गुंडों को भाड़े पे लिया और उस लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। पैसा एक ऐसी चीज जो कि आज हमारे शरीर के खून की एक एक बूंद में घुसा हुआ है, जिसके बिना हमें लगता है कि ये जीवन काल्पनीय है, और तो और इसके ना होने पर तो हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। पैसा एक ऐसी चीज जिसके लिए हमें बचपन से गधे की तरह मेहनत करवाई जाती है, सिर्फ इसके लिए ताकि हम कॉलेज ख़त्म करें और एक नौकरी प्राप्त करें। किसके लिए? अपने जीवन के निर्वाह के लिए। और तो और आज पैसा ऐसी चीज है जो कि हर जगह अपना बोलबाला दिखाता है। रिश्ते, नाते, प्रेम, अगर ये सब आज सुनने में आते हैं तो ये संभव केवल और केवल पैसे से है। पैसा जो कि आज केंद्र बिंदु है हर उस चीज का जो कि हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। सोचिए अगर आज ये पैसा हमारे पास ना हो तो हमारी क्या हालत होगी। बचपन से ही हमें इस पैसे की आदत पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि पैसे होने से मन को वो सुकून मिलता है जो कि और किसी तरीके से नहीं मिल सकता है। पैसा जो कि आपको ये ताकत देता है कि आप अपने लिए वो सब इकट्ठा करें, वो सब खरीदें जो कि एक आम आदमी नहीं खरीद सकता है। और तो और इस पैसे से आप अपने लिए चीज़ें ही नहीं खरीदते हैं,
आप अपने लिए लोगों को भी खरीदते हैं, लोगों के प्यार को खरीदते हैं। और तो और आपको लगता है कि आप खरीद सकते हैं तो अपनी किस्मत को इस पैसे के साथ। और तो और ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है मटका, जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस इत्यादि। क्यों? क्योंकि जैसे कि आज आपको 10 रुपए की 1 मिनट में कॉफी मिल जाती है, वैसे ही हमें पैसा चाहिए। तो जो पूरा का पूरा आडंबर बना हुआ है जल्दी से पैसा कमाने का, उसके प्रति लोगों का आकर्षण सबसे ज्यादा है। तो क्यों ना कसीनो जाया जाए और अपनी किस्मत आजमाई जाए, और इस किस्मत के आजमाने के चक्कर में आर या पार। क्यों नहीं जा सकते हम? किसने मना किया कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक गुनाह है? क्यों ना हम भी कोशिश करें अमीर बनने की? क्यों ना हम भी दिखावा करें एक ऐसी बड़ी गाड़ी होने की जो कि बहुत कम लोगों के पास है हमारे शहर में या हमारे मोहल्ले में? सबसे सरल तरीका पैसा कमाने का आज और एक है, जो कि है वैश्यवृत्ति। वैश्यवृत्ति तो केवल आज एक इंटरनेट फोन के माध्यम से बटन दबाने पर आपको प्राप्त होगी। एक भोगी को शरीर और एक शरीर को भोगी, केवल और केवल एक बटन दबाने के माध्यम से। और तो और उसमें पैसे की कोई कमी है क्या? मुंह मांगी रकम मांग सकते हैं आप अपने ग्राहक से। आज अगर आप सच में ही समझते हैं कि पैसा आपके जीवन की आवश्यकता है, तो सोचिए क्या सच में प्रेम को पैसे से खरीदा जा सकता है? और अगर खरीदा जा सकता है तो वो प्रेम तब तक ही है ना जब तक वो पैसा है। और तो और ये पैसा जो आज जुए से, मटके से, सट्टे से, रेस से और तो और धोखेबाजी से आ रहा है, ये कब तक रहेगा हमारे साथ? हमें इस समाज में कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने जीवन में बहुत सफल हैं, उन्होंने इन तरीकों से पैसा कमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरीके से पैसा कमाना कहां तक फला उनको? आज पैसा तो बहुत है, लेकिन ऐसी भी एक और परेशानी है जो कि पैसे से भी हल हो नहीं पा रही है। इसे कहते हैं प्रकृति का नियम। भोग की ओर जितना आकर्षण, रोग उतना ही अंदर। पैसा जरूरत है और तो और जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन में केवल जरूरी है। सोचिए जितने मनसूबे और आडंबर आपने पैसा कमाने के लिए अपने जीवन में लगाए हैं, अगर उतने ही मनसूबे आप भगवान की भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए लगाएं, तो क्या वो आपको लक्ष्मी नहीं देंगे? लक्ष्मीपति श्री कृष्ण नारायण, अगर आप उनको पकड़ेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ लक्ष्मी की कमी होने वाली नहीं है। और अगर आप लक्ष्मी से उतना आसक्त हैं, तो दुख की बात तो ये है, ना तो आपको मिलेगी लक्ष्मी, ना तो आपको मिलेंगे नारायण नारायण।